आज हम बात कर रहे हैं मिस्र की उस रानी की जिसने अपनी खूबसूरती से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। हम बात कर रहे हैं मिस्र के इतिहास की सबसे खूबसूरत और सेक्सी रानी क्लियोपेट्रा की, जिसका नाम इतिहास में एक रहस्यमय शख्सियत के रूप में दर्ज है। क्लियोपेट्रा के बारे में कहा जाता है कि वह सुंदर और सेक्सी होने के साथ साथ चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थी। क्लियोपेट्रा के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसने अपने फायदे के लिए कई पुरुषों से सेक्स संबंध बनाए। ऐसा इतिहास में दर्ज है कि क्लियोपेट्रा राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता में फंसाती थी और उनका कत्ल कर देती थी। क्लियोपेट्रा अपनी खूबसूरती के अलावा अपने रहस्य और षड्यंत्रों के लिए भी जानी जाती है। खोजकर्ता आज भी क्लियोपेट्रा के रहस्य जानने में नाकाम रहे हैं। इतिहासकारों के मुताबिक क्लियोपेट्रा ने एक सर्प से अपने वक्ष स्थल पर कटवाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं कुछ का मानना ये भी है कि क्लियोपेट्रा की मौत मादक पदार्थ के सेवन से हुई थी। क्लियोपेट्रा के ऊपर कलाकारों ने कई साहित्य भी लिखे। दुनिया भर के मूर्ति रचनाकारों ने क्लियोपेट्रा की मूर्तियां बनाई और सभी ने इस रानी की खूबसूरती को अपने अपने ढंग से दिखाने का प्रयास किया। क्लियोपेट्रा अपने वक्त में दुनिया की सबसे अमीर और खूबसूरत औरत थी। जूलियस सीजर, मार्क एंटोनी और ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा के प्रतिद्वंदी थे। इसके बावजूद जूलियस सीजर ने क्लियोपेट्रा को मिस्र की रानी बनाने में सहायता की थी। कहते हैं कि जब क्लियोपेट्रा 17 साल की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की वसीयत के अनुसार उन्हें तथा उनके छोटे भाई टोलेमी डियोनिस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ और वह मिस्र प्रथा के अनुसार अपने इस भाई की पत्नी होने वाली थी। लेकिन राज्य अधिकार के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप उन्हें राज्य से हाथ धोकर सीरिया भागना पड़ा। क्लियोपेट्रा ने साहस नहीं खोया। उसी समय जूलियस सीजर ने अपने दुश्मन पोम्पे का पीछा करते हुए मिस्र आया। वहां उसने क्लियोपेट्रा को देखा और वहां उसकी सुंदरता और मादक आंखों का आज तक हो गया। क्लियोपेट्रा की सुंदरता के जाल में फंसने के बाद वह उसकी ओर से युद्ध कर उसको मिस्र की रानी बनाने के लिए तैयार हो गया। माना जाता है कि रोमन शासक जूलियस सीजर के जनरल मार्क एंटोनी का क्लियोपेट्रा पर दिल आ गया था। वह उसकी सुंदरता से मदहोश हो चला था। क्लियोपेट्रा को जब यह पता चला तो दोनों ने शीत ऋतु एक साथ अलेक्जेंड्रिया में व्यतीत की। कहते हैं कि एंटोनी से उनके 3 बच्चे हुए। बाद में ऑक्टेवियन के कहने पर क्लियोपेट्रा ने एंटोनी को धोखा दिया। ऑक्टेवियन के कहने पर वह एंटोनी की हत्या करने के लिए तैयार हो गई। क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन को भी अपने रूप जाल में फांस कर खुद की जान बचाकर फिर से मिस्र की सत्ता प्राप्त करने की योजना पर कार्य कर रही थी। किंतु जनश्रुति के अनुसार ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा के रूप जाल में नहीं फंसा और उसने उसकी एक डंक वाले जंतु के माध्यम से हत्या कर दी। तब वह 39 साल की थी। इतिहासकारों में क्लियोपेट्रा का जिक्र बेहद खूबसूरत यौवना के तौर पर किया जाता है और कहा जाता है कि इसके लिए वे गधी के दूध का इस्तेमाल करती थी। वे नहाने के लिए हर रोज करीब 700 गधी का दूध मंगाती थी जिससे उसकी त्वचा खूबसूरत बनी रहती थी। हालिया खोज में यह बात साबित हुई है। क्लियोपेट्रा मिस्र की आखिरी रानी थी जिसके रहस्य आज भी दुनिया के लिए रहस्य हैं। साल 1963 में क्लियोपेट्रा के ऊपर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी थी जिसका नाम लिज टेलर था। आज तक क्लियोपेट्रा को इसी फिल्म के रूप में देखा जाता है।